यह है बरमूडा ग्रास, इसको देख लो। इसको क्या देखोगे, इसमें देखने लायक कुछ है नहीं। तुम इतना ही जानो कि आज तक जिस घास पे खेले हो ना तुम क्रिकेट, वही घास यही है बरमूडा ग्रास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं साइंटिफिकली साइनोडॉन डैक्टिलॉन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट वीड। आज हम लोग पढ़ेंगे वीड, नहीं, आज हम लोग सीखेंगे वीड के बारे में। सीखना मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको कहीं भी नहीं बोलूँगा कि वीड आपको रटना है या याद करना है। पूरे क्लास खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि वीड सीखने वाली विषय वस्तु है और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या और अच्छा बोलूं तो वीड के प्रति आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। और अब आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को जिस नज़रिए से देखोगे ना, वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। अगर आप आज के क्लास को पूरा अटेंड करते हो तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपको पूरे जीवन में वीड पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आवश्यकता लग भी रही है तो निश्चित रूप से तब आप वीड्स पे रिसर्च कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वीड जो ये वर्ड है ना, इसका हिस्ट्री देखेंगे। तो जब हम वीड के हिस्ट्री की बात करते हैं तो जितना पुराना हम लोग के लिए एग्रीकल्चर वर्ड है ना बच्चों, बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट 10,000 ईयर ओल्ड्स, उतना ही पुराना हमारे लिए वीड शब्द भी है। इसको पहली बार जो यूज किया गया था वो जेथ्रो टूल नामक साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया था 1731, और इन्होंने अपने राइटिंग बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में यूज किया था। हम लोग सभी जानते हैं कि जेथ्रो टूल को हम लोग फादर ऑफ वीड साइंस बोलते हैं, या फादर ऑफ इनको टीलेज भी बोला जाता है, क्योंकि टीलेज में भी इनका कंसेप्ट दिया हुआ है। ये होइंग जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ टीलेज। क्लियर है बच्चों? अब देखो, जब हम वीड पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज वीड, वीड क्या है। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है या जो भी याद किया है उसको भूल जाओ, सिर्फ यही ध्यान रखो कि वीड इज ए प्लांट, बस खत्म, वीड इज ए प्लांट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, सर जब आपने बोला ये प्लांट, तो प्लांट में क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वी कैन डिवाइड प्लांट इनटू 3 पार्ट, जो सबसे छोटा होगा उनको क्या बोलेंगे, हर्ब, जो उससे बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, श्रब, और जो सबसे बड़ा होगा यानी कि इन दोनों से बड़ा और उडी होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्री। यानी प्लांट हर्ब भी हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं, ट्री भी हो सकते हैं। तो बच्चों, वीड भी कुछ भी हो सकता है, हर्ब भी हो सकता है, श्रब भी हो सकता है और ट्री भी हो सकता है, ठीक है बच्चों? तो अगर आप कहीं देख रहे हो कोई घास, तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ घास ही वीड होगा। अगर पीपल का पौधा है, या बनियान का पौधा है, या अशोक का पौधा है, कोई भी पौधा हो वो भी वीड होगा, यानी वीड ये तीनों हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्लांट वीड होगा और कौन सा प्लांट वीड नहीं होगा? तो आइए हम देखते हैं वीड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उनका अध्ययन करने के बाद हम बता सकते हैं कि वो वीड होंगे कि नहीं। तो वीड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक है ए वीड इज ए प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। मतलब ये क्या कह रहा है, अनवांटेड प्लांट इज नोन एज वीड। तो पहला कलेक्टर क्या होगा कि अनवांटेड प्लांट होगा। अब अनवांटेड का मतलब क्या है, देखो बच्चों कितना विरोधाभास है, प्लांट तो हम लोग को जीवन देता है ना, ऑक्सीजन देता है ना, तो फिर वो अनवांटेड कैसे हो सकता है? आओ इसको सोचो, कंसेप्ट को समझो, तो बहुत मजा आएगा। देखो, सोचो हमारा घर है, क्या है बच्चों, ये हमारा घर है, सोचो इसको ऐसे, और हमारे घर के ऊपर पीपल का पेड़ जम गया, क्या हमारे घर के ऊपर जम गया, पीपल का पेड़। तो ये जो पीपल का पेड़ है ये हमारे लिए वांटेड होगा कि अनवांटेड होगा? निश्चित रूप से बच्चों ये अनवांटेड होगा। तो यहाँ पीपल का पेड़ क्या हो जाएगा, वीड हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों, मान लो ये हमारा कोई क्रॉप फील्ड है, ये क्रॉप फील्ड में हमने क्या लगा रखा है, वीट, क्या रखा रखा है, वीट, और यहाँ पर कोई दूसरा ग्रास आ गया या ग्रास प्रोड्यूस हो गया या ग्रास क्रॉप यहाँ पे आ गया, कहीं से उग गया, तो यहाँ पे जो ग्रास क्या होगा, ये वीड होगा। आया बात समझ में बच्चों? क्योंकि यहाँ हमारे लिए वांटेड क्रॉप कौन सा है, वीट, और आ क्या गया, ग्रास, तो ग्रास यहाँ पे वीड होगा। यहाँ हमारे लिए वांटेड क्रॉप कौन सा है, घर के केस में कुछ भी नहीं, फिर भी यहाँ पे पीपल का पेड़ आ गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, वीड। तो अब आप लोग को समझ में आ गया अनवांटेड प्लांट कहने का मतलब क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लांट आउट ऑफ प्लेस
और ए प्लांट विथ निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है प्लांट आउट ऑफ प्लेस, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कोई मैंगो ट्री है, क्या है बच्चों, मैंगो ट्री। तो ये मैंगो का अगर पौधा है तो ये हमारे ऑर्चार्ड में होगा तो निश्चित रूप से मैंगो मिलेगा, लेकिन यही मैंगो का पौधा अगर पोलिनेशन के बाद डिस्पर्स्ड होके हमारे राइस के फील्ड में चला जाए या किसी भी क्रॉप के फील्ड में चला जाए तो ये वहाँ पे क्या होगा, वीड होगा। तो देखो बच्चों यहाँ मैंगो का पौधा क्या है, आउट ऑफ प्लेस हो गया, तो इसलिए इसको वीड बोला गया। प्लांट विथ निगेटिव वैल्यू, अब निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है उसको समझो। यहाँ जो सोर्स होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा, वो तो हमारे क्रॉप के द्वारा यूटिलाइज किया जाना है ना, बट अगर दूसरा प्लांट कोई आ जाएगा जो हमारे लिए अननेसेसरी है तो उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन वो प्लांट भी करेगा, तो वहाँ वो प्लांट निगेटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा है ना। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्या है, ए प्लांट डेट इज एक्सट्रीमली नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या है, नुकसानदेह है, हमारे लिए डिफिकल्ट टू रिमूव है, पॉइजनस है, यूजलेस है, तो उसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों, वीड के कैटेगरी में, ठीक है। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लोग अगर किसी फील्ड में क्रॉप लगाते हैं तो निश्चित रूप से उस क्रॉप से हमारा बेनिफिट जुड़ा हुआ है ना, तो उस बेनिफिट के साथ कोई प्लांट इंटरफेयर करे तो उसको भी हम लोग वीड बोलेंगे। आया बात समझ। तो इस तरह अब हम लोग वीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब आप लोग अपने दिमाग से वीड को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हो, एनी अनवांटेड प्लांट इज नोन एज वीड। और अच्छा बोलो, और कंसेप्ट यूज करो तो क्या बोलोगे, एनी अनवांटेड प्लांट विच इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस इज नोन एज वीड। और अच्छा बोलो तो कैसे बोलोगे, एनी अनवांटेड प्लांट विच इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एज वेल एज कम्पीट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज विथ आवर क्रॉप नोन एज वीड। यानी बच्चों मेरा कहना है कि आपको वीड के डिफिनीशन को याद नहीं करना है, आपको इसके कंसेप्ट को समझ जाना है और उसके बाद खुद से डेफिनीशन बना के लिखना है। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि डेफिनेशन याद करो, क्यों, अगर आप 10 बुक पढ़ोगे ना बच्चों किसी भी विषय का तो 10 बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, क्योंकि जो बुक के राइटर है ना, ऑथर है ना, उन्होंने कोई बुक क्या किया है, रटा नहीं है, रट के नहीं लिखा है, उन्होंने अपना कंसेप्ट डेवलप किया है और उस कंसेप्ट के आधार पे जो भी है उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी तरह वीड का अगर आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो। 3-4 बातें हैं जो ध्यान देना है, अनवांटेड, आउट ऑफ प्लेस एज वेल एज कम्पीट फॉर नेचुरल रिसोर्स, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि वीड के द्वारा लॉस कितना होता है हमारे एग्रीकल्चर में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर में जितना भी लॉस होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है ना वो वीड से ही होता है, मतलब वीड इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक फॉर आवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 45% लॉस जो होता है वो वीड के द्वारा होता है, बाकी का 30% होता है इंसेक्ट के द्वारा, 20% होता है डिजीज के द्वारा और अदर्स में 5% आ जाते हैं। इन सबको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 100%। यानी हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि सबसे ज़्यादा जो हमारे क्रॉप के लिए नुकसानदायक है वो क्या है, वीड, बिकॉज इट कॉजेज 45% ऑफ टोटल लॉस। ओके बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर बताइए कि वीड में ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा। तो देखो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला तो टाइप ऑफ वीड, किस टाइप का वीड है उससे डिटरमाइन होगा कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा सेवरिटी ऑफ इन्फेस्टेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो आपके क्रॉप फील्ड में कितना फैला हुआ है। मतलब मान लो अगर हमारा 1 हेक्टेयर का फील्ड है तो क्या वो पूरे 1 हेक्टेयर में है या फिर सिर्फ 100 meter square एरिया में है या कुछ कट्ठा में है, तो इससे भी इन्फेस्टेशन कैसा उससे भी सेवरिटी मालूम चलेगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ इन्फेस्टेशन, मतलब कितने दिनों से वो वीड हमारे क्रॉप फील्ड में है, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ क्या है, कम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ द क्रॉप प्लांट विथ वीड्स, ठीक है, जो वीड है वो हमारे क्रॉप प्लांट के साथ नेचुरल रिसोर्स के लिए कितना एबल है कम्पीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी ग्रोथ को हैम्पर करेंगे हमारे क्रॉप को एज वेल एज वीड को। तो ये 5 पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान में रखना है जिससे कि आप डिटरमाइन कर सकते हो कि लॉस ड्यू टू वीड कितना होगा।
अब आइए हम लोग देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड, वीड का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो हम सभी जानते हैं कि वीड एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, फॉरेस्ट एंड पेस्चुर लैंड के लिए हार्मफुल है, एज वेल एज वीड अल्टरनेट होस्ट भी दूसरे क्रॉप पेस्ट और डिजीज पे अपना करते हैं। ठीक है बच्चों, लैंड वैल्यू भी वीड घटा देते हैं। इसके अलावा चॉइस ऑफ क्रॉप उसको भी लिमिट करते हैं वीड। तो ये 8 पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक सीखा बच्चों कि वीड क्या है, व्हाट इज वीड। इसका एक बेसिक कंसेप्ट आपको अभी तक डेवलप हो गया होगा, साथ ही अब आप अपने शब्दों में वीड को डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ वीड भी हम लोगों ने देखा। ठीक है बच्चों, उसके बाद वीड का ऐसा कौन कौन सा पहलू है जो हमारे क्रॉप के लिए ज़्यादा हानिकारक होगा, इसको भी हम लोगों ने देखा, द लॉसेज ड्यू टू वीड डिपेंड्स ऑन। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। वीड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों खरपतवार। आम बोलचाल में हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो खरपतवार यानी वीड का हम लोग वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो आइए जब हम प्लांट की बात करते हैं ना बच्चों, तो प्लांट के टोटल 250,000 स्पीसीज है जो कि अभी तक साइंस को नोन है। इसमें से 30,000 ऐसे प्लांट हैं जो कि वीड के रूप में अपना यूज दिखाते हैं, यह वीड के रूप में वो हमारे क्रॉप के साथ कंपीट करते हैं। अब इस 30,000 में से भी 18,000 ही कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि पोटेंशियल वीड की तरह बिहेव करते हैं, और इस 18,000 में से फिर अगर हम देखें तो सिर्फ 250 स्पीसीज ऑफ प्लांट ऐसे हैं जो कि प्रोमिनेंट वीड के रूप में हम लोग देखते हैं अपने क्रॉप फील्ड में। इन्हीं 250 स्पीसीज को हम घुमा फिरा के पढ़ेंगे, और इसमें भी हम ज़्यादा किसको पढ़ेंगे, जो हमारे देश यानी कि कंट्री इंडिया में है, क्योंकि हम लोग को तो इंडिया का ही ना क्रॉप कल्टिवेशन पढ़ना है, कोई साउथ अफ्रीका और अमेरिका का तो नहीं ना पढ़ना है। तो आइए अब हम देखते हैं वीड को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन हैबिटेट, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन एसोसिएशन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम, बेस्ड ऑन सॉइल टाइप, एज वेल एज स्पेशल क्लासिफिकेशन। अब देखो बच्चों, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी वो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये दो शब्द से बना है, एक तो है मॉर्फोस, ठीक है, और दूसरा है लोगोस। तो लोगोस का मतलब तो आप सभी जानते हैं टू स्टडी, और मॉर्फोस का मतलब होता है ना एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर, यानी कोई पौधा बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, मतलब उसका फूल कैसा है, उसका वेजिटेटिव पार्ट कैसा है, अगर इस आधार पे हम उसको डिवाइड करें तो उसको बोलेंगे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। उसका स्टेम कैसा है, उसके अंदर जो कॉटिलेडन है वो कैसा है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, इन सब पहलुओं को अगर हम आधार बनाएं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। आइए वन बाई वन इसको देख लेते हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन होगा प्लांट्स का, वीड्स का, वो उनके एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर में होगा। देखो बच्चों, जितना भी हम लोग वीड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वीड कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर आपको अपने क्रॉप फील्ड में वीड कंट्रोल करना है तो उनको किस आधार पर क्लासिफाई करना होगा, मॉर्फोलॉजी के आधार पर। ठीक है, चलो मान लो हम कोई वीड है, ठीक है, इसका हम क्या देख रहे हैं, लीफ देख रहे हैं, तो हमको दिखा कि अरे इसका लीफ कैसा है, स्मॉल लीफ यानी छोटा पत्ता वाला, या फिर हम देख रहे हैं अरे ये कैसा वीड है जिसका कि ब्रॉड लीफ है यानी बड़ा पत्ता वाला वीड है। तो इस तरह अगर हम क्लासिफाई करेंगे किसी भी वीड को तो क्या बोलेंगे, स्मॉल लीफ वीड, ब्रॉड लीफ वीड। अब आप लोग अपने दिमाग से बताइए कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोग देखिएगा कि जब हम लोग हर्बिसाइड का यूज करेंगे, वीडिसाइड का यूज करेंगे, तो वहाँ आपको 2,4-D मिलेगा, और ये 2,4-D सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि ब्रॉड लीफ वीड पे काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया बच्चों कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वीड कंट्रोल। क्लियर है बच्चों, आइए क्यों बोला गया, ये मैंने 2,4-D का एग्जांपल दे ही दिया, क्योंकि हर्बिसाइडल एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन एंड ट्रांसलोकेशन ये पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी से
डिटरमाइन होता है। जैसा कि मैंने बताया, ब्लड लिफ्ट विड्थ अगर हो तो इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं 2,4-D। 2,4-D के फॉर्मुलेशन को पहली बार तैयार किया गया था 1940 में, ठीक है। अब ये किनके द्वारा किया गया, तो आर पोकॉर्नी के द्वारा किया गया था 1941 में। और इस डेवलपमेंट के साथ बीट साइंस को एक मेजर बूस्ट मिला था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सिंथेसिस कर लिया था किस चीज़ का, हर्बिसाइड का, दैट इज 2,4-D एंड इट इज सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है बच्चों। अब आइए, अगर हम कोटिलेडन के आधार पर बीट को डिवाइड करते हैं तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी है, मोनोकोट और डाइकोट। तो देखो, मोनोकोट बीट और डाइकोट बीट में क्या डिफरेंस है हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग ध्यान रखिए, जो बीट में डिफरेंस होगा वही प्लांट में भी डिफरेंस होगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स प्लांट, तो सेम आप लोग को आंसर लिखना है, क्योंकि बीट तो कुछ अलग चीज है ही नहीं, ये तो प्लांट ही ना है। तो आइए देखिए, जब हम मोनोकोट की बात करेंगे ना, तो इनका जो लिप्स होगा ना, ये नैरो होगा और अपलाइट होगा। लेकिन डाइकोट की जब हम बात करेंगे तो यूजुअली इनका लिप्स हॉरिजॉन्टल होगा और ब्रॉड होगा। क्लियर है बात। अगर वेनेशन की बात करें तो मोनोकोट में पैरल वेनेशन होगा, जबकि डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अब वेनेशन क्या होता है आप लोगों को मालूम है? रुकिए मैं बता देता हूँ वेनेशन क्या होता है बच्चों। देखो, मान लो अगर यहाँ पे हम एक लीफ ले लिए, ठीक है बच्चों, ये लीफ ले लिए, क्लियर हो गया। अब देखो, अब लीफ में क्या होगा, ये जो है मैं चेंज कर लेता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ चलो, ये जो है ये वेन है, ये जो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूँ ये क्या है, वेन है, ठीक है बच्चों। तो अब देखोगे तो ये दो वेन के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स है। तो इस तरह के वेनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल वेनेशन। क्लियर है, इस तरह के वेनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। लेकिन यही मान लो एक दूसरा लीफ हम ले लिए, ठीक है बच्चे, ये दूसरा लीफ ले लिए और इसमें कैसा है, कुछ इस तरह का बना हुआ है, कैसा, कुछ इस तरह का बना हुआ है वेन, ठीक है बच्चों, मतलब बेतरतीब है कहीं भी है। तो इस तरह के वेनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर हो गया। फिर देख लेते हैं, जो मोनोकोट है उसमें हमारा रिटेंशन ऑफ हर्बिसाइड है ये कम होता है, जबकि हम बात करें डाइकोट में तो यहाँ पे हमारा जो रिटेंशन ऑफ हर्बिसाइड होगा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ बच्चों, जब हम बात करेंगे मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस की, तो यहाँ हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो हर्बिसाइड का रिटेंशन होगा ये मोनोकोट में कम होगा जबकि डाइकोट में ज़्यादा होगा। इसके अलावा मोनोकोट में हम लोग को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, जबकि डाइकोट में हमको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। कैम्बियम एज ए कंडक्टिव टिश्यू, इसमें स्कैटर्ड होगा मोनोकोट में, ग्रास में तो स्कैटर्ड होगा है, जबकि डाइकोट में इंटैक्ट होंगे। इसके एग्जाम्पल में, मोनोकोट के एग्जाम्पल में ग्रास आ जाएगा और नैरो लिफ्ट बीट्स आ जाएंगे, जबकि डाइकोट में ब्रॉड लिफ्ट बीट आएंगे। डाइकोट में कौन आ जाएगा बच्चों, ब्रॉड लिफ्ट बीट्स कहीं भी होगा ना, तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, डाइकोट में आ जाएगा। आइए अब हम लोग इसका पिक्चर देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये हमारा हो गया इकोनोक्लोआ कोलोना, ठीक है। तो ये हमारा कैसा वीड हो गया, ये मोनोकोट वीड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मोनोकोट वीड, ठीक है। अब आप लोग इसको खुद से भी देख के समझ सकते हो, अगर इसके पत्ती और इसके पत्ती में तुलना करोगे तो ज़्यादा चौड़ा कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइकोट, डाइकोट बीट, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना। और ये क्या है, मोनोकोट बीट। तो ग्रास किस में आ जाएगा, मोनोकोट बीट में आ जाएगा, ग्रास का पत्ता चौड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आप लोग कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, डेट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रास एंड सेजेज, ग्रास और सेजेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, ग्लास का यूजुअली जो स्टेम होता है ना वो हॉलो होता है, ठीक है, लेकिन सेजेज जो होंगे उनका स्टेम एंगुलर होगा और सॉलिड होगा, पहला। दूसरा, लिगुलेट होते हैं और सेजेज किसी तरह का लिगुलिन में नहीं पाया जाता है। अब देखोगे जब इनका लीफ का अरेंजमेंट, तो ग्लास में अल्टरनेट और अपोजिट लीव्स तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर सेजेज देखोगे तो वहाँ लीफ तुमको गुच्छा में देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। किसके गुच्छा में, कहाँ, स्टेम के चारों ओर। जैसे हम लोग को देखो, अगर ग्रास का एग्जांपल लेना है तो डिजिटेरिया हो गया, साइनोडोन डैक्टिलॉन हो गया, जिसको हम लोग दुब ग्रास बोलते हैं। और इधर सेजेज के एग्जांपल में हमारा हो जाएगा क्या, साइप्रस रोटंडस, क्या हो जाएगा बच्चों, साइप्रस रोटंडस, रोटंडस ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, ये हमारा हो जाएगा
सेज साइप्रस रोटंडस, फिगर से और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से तुम्हारा खेल शुरू होता है। अब देखो ये क्या है, ये है बरमूडा ग्रास, और यही है हमारा क्या बताओ, जो सिंपल हम लोग देखते हैं ना ग्रास, वही है बरमूडा ग्रास है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनोडॉन डैक्टिलॉन। और ये हमारा हो गया साइप्रस रोटंडस। ये क्या है बच्चों, साइप्रस रोटंडस, बहुत आसानी से आप लोग इसको कहीं भी देख सकते हो। इसको हम लोग नट ग्रास भी बोलते हैं, आम भाषा में इसी को मोथा और मुथुंगा बोला जाता है, ठीक है। कहीं भी हम लोग साइंटिफिक बोटेनिकल नेम लिखेंगे तो हम लोग को जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा, साथ ही जीनस का हमेशा जो पहला लेटर होगा कैपिटल होगा, और स्पीसीज का हमेशा स्मॉल होगा, और लास्ट में अदर साइटेशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। अगर ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा तो टीचर किसी भी बोटेनिकल नंबर का एक भी नंबर नहीं देगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को हम लोग ऑन्टोजेनी भी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लाइफ साइकिल हम लोग बीट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनुअल, बायएनुअल और पर्लेनुअल। अब ये लाइफ साइकिल के आधार पे है, तो अगर एनुअल बीड होगा तो इसका लाइफ साइकिल होगा वन सीजन और वन ईयर, ठीक है। इसका एग्जांपल है चेनोपोडियम पोडियम एल्बम। अब देखो बच्चों ये क्या है, कहने के लिए तो बीड है, लेकिन आप लोग बथुआ का नाम सुने होगा ना, जिसका साग खाते हो, ये बथुआ का ही साग है, ठीक है। ये जाड़े के दिनों में मिलता है। अब आप लोग आसानी से इसको बाजार में देख सकते हो, चेनोपोडियम एल्बम, ठीक है। ये भी बीड की तरह बिहेव करेगा, अगर हमारा क्रॉप फील्ड बथुआ का ना होकर कोई और चीज़ का हो गया तो इसको हम लोग एज ए वीड ही समझेंगे, ठीक है। ये एनुअल वीड हो गया, और जाड़े के सीजन में ये ग्रो होता है, इसलिए इसको रखा गया है विंटर एनुअल में, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉनसून एनिया, ठीक है। देखो इसका कितना अच्छा है ये, इसको फ्लावर से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब बताओ तो ये क्या है, क्या होगा, ये ब्रॉड लिफ्ट वीड होगा या फिर सिंपल लिफ्ट वीड होगा या शॉर्ट लिफ्ट वीड होगा, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, ब्रॉड लिफ्ट वीड हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा। आओ अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉनसून एनुअल का एक और एग्जाम्पल है वेरविया एरेक्टा। देखो ये देखने में कैसा लगेगा, आप लोग के आस पास अब कोई वीड दिखेगा ना तो आप लोग इसको आसानी से पहचान लोगे, ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। अब देखो एनुअल वीड का कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग उसको आसानी से पहचान लेंगे। पहला क्या है कि एनुअल वीड जो है वो एबंडेंट सीड प्रोड्यूस करेगा, पहला। दूसरा, दे फेल टू रीग्रो व्हेन दे आर कट क्लोज टू द ग्राउंड, अगर उनको एकदम ग्राउंड यानी जमीन से सटा के काटा जाए तो ही फिर वो ग्रो नहीं करेंगे, अदरवाइज दे ग्रो कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन क्या है कि बहुत सारे एनुअल वीड ऐसे होते हैं जिनमें क्राउन बर्ड पाया जाता है जो कि स्प्राउट कर जाते हैं, कहाँ से, सूट के पास से ही, अगर मदर प्लांट को ऊपर से काटा गया फिर भी वो स्प्राउट कर जाएंगे, ठीक है। अगर दूसरे वीड की तुलना को लें तो एनुअल वीड को कंट्रोल करना आसान होता है, अगर बायएनियर और पर्लेनियर से तुलना करें तो दे आर इजी टू कंट्रोल, क्लियर है बच्चों। अब बहुत साल तक ये डोरमेंट रह सकते हैं, ठीक है, तो ये इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये देखो ये है फाइलेंथस फ्रेटेनस, या फिर इसको फाइलेंथस निरूली बोलेंगे। देख लो इस बीट को आप लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हो, पर वास्तव में ये बीट नहीं है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है, भूमि आंवला। ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसको मैं जानता हूँ जिसको कि किडनी डिजीज में हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोग को मालूम हो क्रिएटिनिन, तो किसी पेशेंट का अगर क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ गया है तो कोई भी आप लेके आइए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या होम्योपैथिक प्रोडक्ट, तो निश्चित रूप से वो इसका एक्सट्रैक्ट रहता है उसमें, किसमें का, भूमि आंवला का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये भी क्या है, अब देखो यहाँ एक टर्म आता है इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी प्लांट जिसका लाइफ स्पेन शॉर्ट हो ना उसको हम लोग इफेमेरल बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वो तो एनुअल ही ना होगा, पहले तो एनु एक साल का होगा उसके बाद ही ना, अगर एक साल से कम का होगा तो भी तो हम लोग उसको एनुअल में ही ना रखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो डिवीजन है वो तो दो ही तरह का ना है, आइदर एनुअल बाई एनियर और पर एनियर, तो ठीक है। तो सच प्लांट्स विच आर
एनुअल एज वेल एज शॉर्ट लाइफ स्पेन नोन एज इफेमेरल। क्लियर हो गया। यूजुअली 2 से 4 वीक इनका जीवन होता है। ठीक है बच्चों, अब आओ हम लोग देख लेते हैं बाय एनुअल। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 साल का होता है, इसीलिए इनका नाम रखा गया बाय एनुअल, क्योंकि बाय का मतलब ही क्या होता है, 2। क्लियर हो गया। इनका जो पहला साल होता है ना, ये वेजिटेटिव फेज होता है। ठीक है, दूसरा साल इनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे साल में इनमें फ्लावरिंग होता है और सेटिंग ऑफ सीड होता है। फर्स्ट ईयर में इनको कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये वेजिटेटिव फेज में होते हैं। सेकेंड ईयर और उसके बाद इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये प्रोपेगेशन शुरू होता है। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से इनमें प्रोपेगेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है डॉकस करोटा और सर्सियम वुर्गेल। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका पिक्चर, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हो गया आपका डॉकस करोटा। ठीक है, डॉकस करोटा देखने में कुछ ऐसा लगेगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो खूबसूरत लग रहा है तो ये हम लोग के लिए फ़ायदेमंद नहीं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय बोल्टिंग इन वीड। तो बोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। बोल्टिंग क्या है बच्चों, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जो भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप होता है, हार्वेस्टिंग से पहले वो क्रॉप क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं फ्लावरिंग स्टेम या इन्फ्लोरेसेंस को, हार्वेस्टिंग के पहले। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। तो बोल्टिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट हो, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वीट, कोई भी प्लांट हो, अगर हार्वेस्टिंग के पहले वो बहुत सारे फ्लावर या स्टेम्स इन्फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, बोल्टिंग। ठीक है, तो इट इज़ ए नेचुरल अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस सीड एंड फ्लावरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग बाई एनी क्रॉप और प्लांट इज नोन एज बोल्टिंग। ठीक है, यूजुअली ये वीड में देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वीड का ये प्रॉपर्टी है जो उसको नॉक्सियस बनाता है। किस चीज़ के लिए, रिमूव करने के लिए। वीड आर हार्ड टू रिमूव, डिफ़िकल्ट टू रिमूव ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग, क्योंकि जब उनको लगेगा कि मतलब अब हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, अब हम मरने वाले हैं, तो उस टाइम उनमें ऐसा ये मेकानिज़म है कि बहुत सारा वो फ्लावर पैदा करेंगे और ये फ्लावर उनको फिर फर्दर हेल्प करेंगे रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है बच्चों, तो देखिए सर्सियम वुर्गेल, जिसको हम लोग वूल थीसर भी बोलते हैं, THISTLE लिखा हुआ है। ठीक है, पर एनियर बीट, पर एनियर बीट मतलब क्या, जिनका लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर हो उनको हम लोग पर एनियर बीट बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या, पर एनियर बीट ग्रो मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखो यूजुअली जो पर एनियर बीट होते हैं ये सेकेंड ईयर में ही फर्स्ट टाइम फ्लावर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ईच ईयर ये रेगुलरली फ्लावर करते हैं। ठीक है, इनके अलावा रिप्रोड्यूस, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस तो करेंगे ही, इनके अलावा अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है पर एनियर बीड में, जो इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में बात करें और सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो ये ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, डोरमेंसी में भी ये जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कंडीशन। द कंट्रोल ऑफ पर एनियर बीड इज मच मोर डिफिकल्ट देन एनुअल। देखो, एनुअल और बाई एनियर से ज़्यादा मुश्किल है पर एनियर को कंट्रोल करना। अगर इनको कंट्रोल करना है तो इसका जो सबसे कारगर तरीका है ये है कि समर के टाइम में आप डीप टीलेज करवा दो, मतलब ज़्यादा गहरे तक अगर टीलेज होगा तो इनको कंट्रोल करोगे, अदरवाइज दिज आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल ओनली बाई द स्प्रेइंग ऑफ एनी हर्बिसाइड। क्लियर है बच्चों, इनमें मॉडिफाइड सिस्टम भी होता है अंडरग्राउंड। आइए अब हम लोग देखते हैं परनीशियस बीट। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा जो आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय परनीशियस बीट। ठीक है, सच बीट्स विच आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल नोन एज परनीशियस बीट। अब इसमें यह है कि वो पर एनियर होना चाहिए, मतलब डिफिकल्ट पर एनियर बीट्स आर नोन एज परनीशियस बीट। क्लियर है बच्चों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है साइनोडोन डैक्टिलॉन। ये क्या है, डूब घास, जिसको हम बोलते हैं डूब घास, यही डूब घास है। और बीट तो ये बाद में है, हमारे पशुओं के लिए ये बहुत अच्छा चारा है, ये आप लोग जानते हैं ना, हमारे पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा है। मतलब अभी तक जो जो आपको वीड मिल रहा है उसका बेनिफिट ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो जगह पे हो तो बेनिफिट ही, हमारे क्रॉप के साथ इंटरफेयर करे तभी तो हम लोग उसको वीड बोलेंगे, ऐसे हम लोग पागल थोड़े ही हो गए हैं कि उसको वीड बोलेंगे। तो ये है बरमूडा ग्रास,
इसको देख लो, इसको क्या देखोगे, इसमें देखने लायक कुछ है नहीं, तुम इतना ही जानो कि आज तक जिस घास पे खेले हो ना तुम क्रिकेट, वही घास यही है बरमूडा ग्रास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं साइंटिफिकली साइनोडॉन डैक्टिलॉन। ठीक है, मतलब जनरल घास है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। साइप्रस रोटंडस नट सेज, ये भी इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, परेनियल बीट्स के एग्जाम्पल में। ठीक है, ऊपर तो देख ही लिए लोग कि साइप्रस रोटंडस कैसा दिखता है, क्लियर है बच्चों। तो परेनियल बीट्स में, और फर्दर हम अगर परेनियल बीट्स के बारे में बताना चाहें, डिवाइड करना चाहें, तो परेनियल बीट्स परनीशियस बीट भी हो सकते हैं, जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल होंगे वैसे परेनियल बीट्स को परनीशियस बीट करेंगे। फिर रूटेड परेनियल होंगे, उनमें शैलो रूटेड हो सकते हैं, डीप रूटेड हो सकते हैं। क्लिपिंग परेनियल है, सिंपल परेनियल है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोग परेनियल बीट्स को अगर कोई क्लासिफिकेशन पूछ दे तो आप लोग बोल सकते हो कि चार पांच क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आओ अब देखो, ये इसका एग्जाम्पल है लेंटेना कैमरा। देखो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखो अंग्रेज गए तो अंग्रेजी छोड़ के गए, लेकिन अंग्रेज जब आए थे ना तो ये लेके आए थे, लगभग 200 साल पहले अंग्रेज इंडिया में लेके आए थे, क्योंकि देखने में सुंदर लगता है। बट ये अभी हार्ड टू रिमूव हो गया। देखो बहुत लोग तो है जिसको गमला में लगाए हुए हैं, अब क्या ही कहोगे। ठीक है, लेंटेना कैमरा को देखो, जाने इस हिंदी में बोलते हैं पुटुस, देखो जाने कैसे पुटुस उगाए। ठीक है, मत उगाओ भाई, ये बीड है। ठीक है, फिर अगर इधर उधर चला जाएगा, फैल जाएगा, तो क्रॉप के साथ इंटरफेयर कर देगा, तो फिर अब निकालने से नहीं निकलेगा। जैसा कि हम लोग का हाल है किसके साथ, वाटर हाइसिंथ के साथ, जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं, क्रेसियप्स जिसका नाम है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं वीड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स क्या, आवास के आधार पर, मतलब वो बीट कहाँ पाया जा रहा है। अगर वो लैंड पे पाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल बीट्स, यानी अभी तक हम लोग जितना बीट पड़े बच्चों, ये सब हम लोग टेरेस्ट्रियल बीट्स ही पड़े, क्लियर है, लैंड पे ही ना पड़े। और अगर वो बीट पाए जा रहे हैं कहाँ, वाटर बॉडी में, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वेटिक बीट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट वी कैन क्लासीफाई बीट इंटू टू पार्ट, टेरेस्ट्रियल फीड और एक्वेटिक बीट। अगर बीट की जगह क्रॉप भी रहेगा, प्लांट भी रहेगा, तो यही होगा टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट, क्लियर है बच्चों। अब टेरेस्ट्रियल बीट का एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल तो मालूम है, सब ऊपर का कोई एग्जाम्पल बोलो सबसे, इनका हैबिटेट क्या होगा, लैंड होगा या सॉयल होगा, क्लियर है। अब आइए टेरेस्ट्रियल बीट को हम लोग डिवाइड करें तो क्रॉप लैंड बीट बोल सकते हैं, मतलब वैसा बीट जो हमारे क्रॉप के साथ इंटरफेयर करें। ठीक है, जैसे है इक्विनोक्लोआ, ये किसके साथ इंटरफेयर करता है, राइस के साथ। ठीक है, देखो ये देखने में कुछ आपका ऐसा रहेगा, और इसको पास से देखो तो देखो ये बीट आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको क्रॉपलैंड बीट का एक और अच्छा उदाहरण है फेलेडिस माइनर, ये इंपॉर्टेंट है। फेलेडिस माइनर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसको हम लोग मिमिक्री वीड भी बोलते हैं। क्या, मिमिक्री वीड, क्योंकि जब आप देखोगे ना किसका प्लांट, वीट का प्लांट या वीट का क्रॉप का पूरा फील्ड, तो आपको लगेगा कि ये भी वीट ही है, तो ये मिमिक करता है वीट के साथ, डेट्स वाई इट इज नोन एज एल्सो मिमिक्री वीड। और इसको हिंदी में बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, गेहूँ का मामा। क्या, गेहूँ का मामा, फेलिस माइनल इज एल्सो नोन एज गेहूँ का मामा। इसको देख लो, देखो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया। ठीक है, और अच्छा से देखो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फेलिस माइनल ऐसा दिखेगा, मतलब गेहूं के फील्ड में तुम जाओगे तो ये तुमको गेहूं जैसा ही दिखेगा। नन क्रॉप लैंड वीट्स, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, वेस्ट लैंड में हमको देखने को मिल जाएगा। डेट इज इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ट्राइबुलस ट्रेस्ट्रिस। क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइबुलस ट्रेस्ट्रिस और जेंथियम एस्ट्रोमेरियम। नाम से तो आप लोग को लग रहा होगा क्या नाम है क्या, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए भी है। कैसे है, आओ देखो, देखो ये हमारा हो गया ट्राइबुलस ट्रेस्टिस, देख लो ध्यान से, देखो बच्चों पहचान लो, हिंदी में इसको गोखड़ू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोखड़ू या गोकसुरा भी बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो गोखड़ू के चमत्कारी फायदे, समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या क्या फ़ायदा है वो हम लोग देखते हैं गोखड़ू का। देखो इन्हांस लिबिडो, मतलब सेक्सुअल एनर्जी बढ़ा देगा, नेचुरल डायुरेटिक की तरह काम करता है, मसल बनाने में, जो लोग जिम वम जाते हैं ना तो देखेंगे, जो भी वो कंटेंट लेते हैं जिम के लिए कि मेरा मसल्स बन जाए, तो उनमें देखिएगा कि ये लगा हुआ है आपका गोखड़ू उसमें है। ठीक है, मतलब लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ट्राइबुलस ट्रेस्टलिस कंपोनेंट में यूज करता है लोग, पावर और एंडोरेंस बढ़ाने के लिए भी इसका यूज होता है, एनर्जी लेवल मेंटेन करता है।
अच्छा नींद आएगा, स्ट्रेस घटाएगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। देखो अब तुम लोग क्या इसको बोलोगे, इसको क्या आप बोलोगे, ट्रिबुल स्टेस्टी को नॉन क्रॉपलाइन बीट्स, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वाकई में ये फ़ायदेमंद है बच्चों, ठीक है। देखो इस ट्रिबुल स्टेस्टिस होम्योपैथिक दवा के रूप में भी आता है और आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी, आप किसी भी दुकान पर जाओगे बोलोगे गोकसुरा चाहिए तो आपको दे देगा, ठीक है। फिर उसका बोटेनिकल नेम देखोगे तो यही लिखा होगा, ट्राइबुलस ट्रेस्ट्रेस, ठीक है बच्चों, हिमालयन कंपनी भी शायद बनाती है। चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्या बच गया, एक यह है ना जैंथियम एस्ट्रुमेरियम, तो आप देखो जैंथियम एस्ट्रुमेरियम आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है बच्चों। ये प्लांट भी आप लोग अभी जो देखे ना हम लोग ऊपर, वही है ये भी, ठीक है, जैंथियम एस्ट्रुमेरियम। अब आइए ग्रास लैंड वीड, मतलब वैसा वीड जो कि ग्रास लैंड में पाया जाता है, इसमें वेरोनोनिया है और साइप्रस रोटुंडस है। तो वेरोनोनिया देखो देखने में कुछ ऐसा लगेगा आपको, अगर ये फ्लावर हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, सेम है, आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। और साइप्रस रोटुंडस तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, नट ग्रास या सेज ग्रास या जिसको हम लोग मोथा बोलते हैं, ठीक है। लॉन्स और पब्लिक पार्क में जो वीड पाया जाएगा उसको बोलेंगे एलुसिन इंडिका, मतलब एलुसिन इंडिका इंडिया का ही स्पीसीज है इसलिए एलुसिन इंडिका इसको बोला गया, ठीक है। तो दिस एग्जांपल ऑफ वीड्स ऑफ लॉन एंड पब्लिक पार्क, इसको बहुत आसानी से आप लोग कहीं भी देख सकते हो। इसको पहचानने का तरीका यही है, देखो देखने से तो ये भी तुम्हारा साइप्रस रोटंडस जैसा ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको ऊपर जब देखोगे ना तो यहाँ ऊपर में तुमको इस टाइप का फ्लावर देखने को मिलेगा जो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा साइप्रस रोटंडस से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यार्ड ग्रास, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यार्ड ग्रास, और इसका बोटेनिकल नेम है एलुसिन इंडिका, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। और अब आप लोगों को अपने आसपास ये सभी पौधा दिखेगा, अब दिखना शुरू हो जाएगा, अब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओगे नट ग्रास और यार्ड ग्रास के बीच, साइनोडोंडक्ट्रियन दूब ग्रास और सेज ग्रास और यार्ड ग्रास और नट ग्रास, ये सब जब आपके आसपास दिखेगा ना तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई किया है। ऑर्चर्ड और गार्डन, तो दूब ग्रास यूजुअली हम लोग को देखने को मिलता है तो हम लोग इसके एग्जांपल में दूब ग्रास को भी लिख सकते हैं, और नट सेज भी देखने को मिलता है तो साइप्रस रोटंडस भी हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं ऑर्चर्ड और गार्डन बीड में। पैरासिटिक बीड, कुछ बीड होते हैं जो कि क्रॉप के साथ पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, इसमें रोलेंथस स्टिका और ओडोबैंक की, देखो रोलेंथस कुछ आपका ऐसा दिखता है, ठीक है बच्चों, रोलेंथस ऐसा दिखता है, और उसके बाद हमारा कौन सा है स्ट्रीगा, देखो स्ट्रीगा कुछ ऐसा दिखता है, ये मेज का प्लांट है, मेज के प्लांट में देखो ये पिंक पिंक कलर का जो है ना ये स्ट्रीगा है। इसको और अच्छे से देखना है तो इंडिविजुअल प्लांट के साथ देखो, ये हो गया क्या आपका स्ट्रीगा। तो आसानी से अब आप लोग मेज का पौधा कहीं देखोगे या सोरगम देखोगे या मतलब उसी फैमिली का कोई और पौधा देखोगे और उसमें आसानी से आप लोग नोटिस कर पाओगे स्ट्रीगा को, ये भी पैरासिटिक प्लांट ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है ओडोबैंक की, देखो ओडोबैंक की कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कौन सा क्रॉप है, ठीक है, और उसमें आपको ओडोबैंक की कुछ ऐसा दिखेगा। तो दीज आर द पैरासिटिक प्लांट विच एल्सो एक्ट्स एज बीट, क्या हो गया स्ट्रीगा हो गया, ओडोबैंक की हो गया और रोरेंथस हो गया, ठीक है बच्चों, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए रोड साइड में हम लोग को जनरली यूफोर्बिया हीटा लेंटेना कैमरा और प्रोस्पिस जूरी फ्लोरा देखने को मिलता है। नाउ वी विल सी एक्वेटिक बीड, एक्वेटिक बीड आर सच बीड्स विच आर फाउंड इन द वाटर बॉडीज, ठीक है बच्चों, मतलब वैसे खरपतवार जो पानी में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे एक्वेटिक बीड, ठीक है। इनको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सबमर्ज्ड बीड, इमर्ज्ड एक्वेटिक बीड एंड फ्लोटिंग एक्वेटिक बीड। अब इसका मतलब क्या है समझो, जो पानी में पूरी तरह डूबे हुए एक्वेटिक बीड होंगे उनको बोलेंगे हम सबमर्ज्ड बीड, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रेरा वर्टिसिराटा, आप लोग इसको पानी के अंदर बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकेंड वन हो जाएगा इमर्ज्ड बीड, इमर्ज्ड बीड वैसे होंगे जिनका कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा, यानी कि उनका रूट वाला पार्ट पानी के अंदर होगा और बाकी का हिस्सा पानी के ऊपर होगा। इसके एग्जाम्पल में है टाइफा स्पीसीज, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, बीच ऑफ देम इज एक्वेटिक ग्रास, इनमें से एक्वेटिक ग्रास कौन है, और ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन देगा, ठीक है, उसमें से सही ऑप्शन कौन होगा टाइफा स्पीसीज, ठीक है। थर्ड वन इज फ्लोटिंग एक्वेटिक बीट्स, मतलब वैसे एक्वेटिक बीट्स जो पानी में तैरते रहते हैं जस्ट लाइक बोट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि हम सभी जानते हैं क्या है, जलकुंभी, जिसका कि बोटेनिकल नेम होता है इकोर्निया क्रेसेप्स, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे,
वाटर हाइसिंथ। तो देखो ये हो गया वाटर हाइसिंथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक बीट्स। वाटर हाइसिंथ इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक बीट्स, दीज आर द फ्लावर्स ऑफ वाटर हाइसिंथ। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं टाइफा। तो जब हम टाइफा को देखते हैं तो देखो टाइफा ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसका जो रूट होगा वो पानी के अंदर होगा और बाकी का हिस्सा पानी के ऊपर होगा, इसीलिए इसको इमर्ज्ड एक्वेटिक बीट बोला गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नेमिंग भी इसमें किया हुआ है, डेट इज टाइफा लैटिफोरिया, इसका कॉमन नेम है कॉमन कैट टेल, ठीक है। आओ अब हम लोग फर्दर देख लेते हैं आगे। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्शनेबल वीड। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्शनेबल वीड से आप क्या समझते हो। देखो वैसे वीड जो कि हमारे क्रॉप में इस तरह मिल जाए कि उनसे उनको अलग करना काफी मुश्किल हो, वैसे बीड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्शनेबल बीड। क्लियर है बच्चों। मींस ऑब्जेक्शनेबल बीड आर सच नॉक्सियस बीड हुज सीड्स आर व्हेन मिक्स्ड विद आवर क्रॉप दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट नोन एज ऑब्जेक्शनेबल बीड। समझ में आ गया, मतलब वैसे बीड जो अगर हमारे क्रॉप के साथ मिक्स हो जाए तो उनको अलग करना काफी मुश्किल हो, ऐसे बीड को हम लोग ऑब्जेक्शनेबल बीड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिराडो विथ क्यूमिन, ठीक है बच्चों। आइए और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो भिंडी, जिसका कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। ये अगर अपने वाइल्ड वेराइटी के साथ मिल जाए तो फिर डिफिकल्ट करना काफ़ी मुश्किल है, पहचानने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वाइल्ड ये है वेराइटी ऑफ भिंडी है और कौन नॉर्मल वेराइटी ऑफ भिंडी है जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे कलिनरी पर्पज़ के लिए। इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा वाइल्ड वेराइटी का वाइल्ड एबेलमोस्कस स्पीसीज, ठीक है। उसी तरह रेप और मस्टर्ड आपस में मिल जाए तो दिक्कत होगा, उसमें आर्जिमोन मेक्सिकाना है, वीट कॉन्वर्विस एरविनिस जिसको हिरन कुरी भी बोलते हैं और पैडी के साथ वाइल्ड पैडी का ओराइजा सटाइवा वायर फतुआ, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, व्हाई वीड आर सो डिफिकल्ट टू रिमूव, व्हाई वीड्स आर सो डिफिकल्ट टू इरिडिकेट फ्रॉम आवर क्रॉप। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो इसमें पहला क्राइटेरिया है बच्चों कि दे प्रोड्यूस एबंडेंट अमाउंट ऑफ सीड, डैट मीन्स सीड प्रोडक्शन इज एबंडेंट। ये एक कॉमन सेइंग है, ऐसा माना जाता है कि वन ईयर सीडिंग इंक्लूड सेवन ईयर वीडिंग, यानी अगर किसी पार्टिकुलर जगह पे कोई वीड है तो इस एरिया में इतना ज़्यादा सीड प्रोड्यूस कर सकता है कि उतना वीड अगले 7 साल तक प्रोड्यूस होता रहे। तो दिस इज द वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड्स डैट दे प्रोड्यूस एबंडेंट सीड। एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो वाइल्ड राइस के हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वही ओराइजा सटाइवा वेराइटी फटुआ, ठीक है। वन प्लांट ऑफ राइस प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट अबाउट 1000 सीड्स, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, या तो 7 ईयर की ही हम लोग बात कर रहे हैं तो या तो 1000 हो गया, ठीक है। फिर उसके अगर हम बथुआ का एग्जाम्पल लें, डेट इज़ द साइंटिफिक नेम चेनोपोडियम एल्बम, तो ये भी लगभग 7200 सीड प्रोड्यूस करता है 1 ईयर में, ठीक है बच्चों। आइए दूसरा इसका देख लेते हैं क्राइटेरिया, एक्सीलेंट वायबिलिटी ऑफ सीड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सीड के पास जर्मिनेशन कैपेसिटी रहेगा बट वो जर्मिनेट नहीं करेंगे जब तक कि कोई फेवरेबल कंडीशन ना आए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायबिलिटी। और ऐसा बहुत अच्छा वायबिलिटी देखने को मिलता है कहाँ में, वीड के जो सीड होते हैं उनमें, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो हियर भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि चेनोपोडियम का जो सीड होता है ना ये 40 सालों तक वायबल रहता है, यानी चेनोपोडियम एल्बम का सीड अगर सॉयल में पड़ा रहेगा 40 साल तक तो जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा इवन 40 साल तक भी तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। और 40 साल के बाद लास्ट ईयर में भी अगर इसको 39 मान लो कि 14th ईयर में भी अगर इसको मिला फेवरेबल कंडीशन तो ये ग्रो कर सकता है, दैट इज सेइंग ऑफ एक्सीलेंट वायबिलिटी ऑफ सीड। तो फर्स्ट हम लोग का क्या था, दे प्रोड्यूस इनॉर्मस सीड, इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सीड, दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ सीड, और सेकंड क्या था, दे हैव एक्सीलेंट वायबिलिटी, सीड हैव एक्सीलेंट वायबिलिटी, ओके। थर्ड वन देख लेते हैं, एबिलिटी टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। अगर हम अपने क्रॉप से तुलना करें बीट का तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो वहाँ पे हमारा क्रॉप क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर बीट जो होते हैं वो उस अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं, डेट एल्सो मेक्स बीट्स एबल टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर हो गया। फोर्थ वन देख लेते हैं, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल है, और ए सेक्सुअल में भी अगर
वेजिटेटिव पार्ट यानी अदर देन सीड से अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो ऐसा देखने में आया है कि जो बीड होते हैं ना वो बहुत आसानी से वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट कर पाते हैं। समझ में आया, इट मीन्स दे इजिली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। क्लियर हो गया, वेजिटेटिव ऑर्गन या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या हुआ, राइजोम्स, स्टोलन, बल्ब एटसेट्रा। दिस हेल्प्स टू विदस्टैंड अंडर एडवर्स कंडीशन, जैसे नट सेज क्या हो गया, साइप्रस रूटेंडस हो गया, ठीक है ना बच्चों। क्लियर, आइए फिफ्थ वन देख लेते हैं, डिस्पर्सन एज वेल एज स्प्रेडिंग थ्रू वेरियस एजेंसी। इनका डिस्पर्सन और स्प्रेडिंग बहुत आसानी से हो सकता है। वेरियस एजेंसी मतलब जू कोड़ी देखने को मिलेगा, एनिमो कोड़ी देखने को मिलेगा, एरो कोड़ी देखने को मिलेगा। अब ये क्या है बच्चों, तो ये विंड, अगर विंड के द्वारा भी डिस्पर्सन हो सकता है, वाटर के द्वारा डिस्पर्सन होगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोकोड़ी। मतलब वाटर के थ्रू डिस्पर्सन हो रहा है सीड्स का, तो हाइड्रोकोड़ी, ठीक है बच्चों। इंसेक्ट मैन मैन्यूर्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी विच आर एबल टू डिस्पर्स और स्प्रेड द सीड ऑफ वीड। तो ये भी एक अलग क्राइटेरिया है बीड्स को, कि जिसके कारण वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं रिमूव करने के लिए, या फिर वो आसानी से रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जगह स्प्रेड होंगे तो निश्चित रूप से उनको फेवरेबल क्राइटेरिया या फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलना आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अब यहाँ एक टर्म है जो आपसे पूछा जाता है, यूजुअली ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, मतलब होता है ना कि लॉन्ग टाइम क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, या फिर ये समझो तो ये आप लोग को पूछा जा सकता है डेफिनेशन में, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट बीड। तो देखो बच्चों इसका मतलब समझो क्या है, फैकल्टेटिव वैसे बीड को बोलेंगे जो कि वाइल्ड कम्युनिटी में बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे, लेकिन वो हमारे क्रॉप फील्ड में भी अगर आ गए तो वहाँ भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड इन्वायरमेंट से जब हम उनको क्रॉप फील्ड में लाएंगे तो वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दे आर यूजुअली फाउंड प्राइमरी इन द वाइल्ड कम्युनिटी, बट वेन ऑफन दे स्केप टू आवर कल्टिवेटेड फील्ड, दे एल्सो एसोसिएट देमसेल्फ क्लोजली विद द मैन अफेयर्स, डेट इज ओपोन्सिया, दीज आर एल्सो नोन एज एपोफाइट्स। इनको एपोफाइट्स भी बोलते हैं, समझ गए। फैकल्टेटिव वीड का मतलब क्या समझे, फैकल्टेटिव वीड वैसा वीड को हम बोलेंगे जो मेनली वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट में पाया जा रहा है, ठीक है, वाइल्ड कम्युनिटी में पाया जा रहा है, लेकिन अगर वो डिस्पर्स होके डिसेमिनेट होके हमारे क्रॉप फील्ड में आ गया तो वहाँ भी बहुत आसानी से वो सर्वाइव कर जाएगा, तो वैसे बीड को हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव बीड। क्लियर हो गया बच्चों, अब आइए ओब्लिगेट बीड हम लोग देख लेते हैं। ओब्लिगेट बीड है समझो तो वो फैकल्टेटिव बीड के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये आपको यूजुअली कहाँ देखने को मिलेगा, कल्टीवेटेड लैंड में, यानी जो हमारा क्रॉप फील्ड होगा वहीं आपको ये यूजुअली देखने को मिलेगा, यानी कि इनका जो वाइल्ड कम्युनिटी है वहाँ ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ एंथ्रोपोजेनिक काम किया गया है, मैन मेड अफेयर्स है, वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा, तो इनको क्या बोलेंगे, ओब्लिगेट वीड। जैसे कल्टीवेटेड लैंड हम बोले तो कल्टीवेशन कौन करेगा, ह्यूमन ही ना करेगा। फिर हम बोले डिस्टर्ब लैंड, तो वहाँ पर डिस्टर्ब लैंड का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर ह्यूमन का इन्वायरमेंट है, तो यहाँ इस तरह का वीड देखने को आसानी से मिलता है, ठीक है बच्चों। तो समझ गए, अगर कोई वैसा वीड है जो वाइल्ड इन्वायरमेंट में है और गलती से या डिस्पर्स्ड होके या डिसेमिनेट होके वो आ गया हमारे क्रॉप फील्ड में, तो उसको बोलेंगे फैकल्टेटिव वीड। कोई वैसा वीड है जो हमको वाइल्ड कम्युनिटी में, वाइल्ड क्लाइमेट में, वाइल्ड इन्वायरमेंट में देखने को मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जहाँ कहीं भी ह्यूमन का अफेयर है, जैसे उसका क्रॉप फील्ड हो गया या फिर कोई लैंड है वहाँ पे पहले जंगल था, ह्यूमन उसको हटा दिया, तो वहाँ ये देखने को मिलेगा, डेट इज़ द डिस्टर्ब लैंड। ओके, तो उस तरह के वीड को क्या बोलेंगे, ओब्लिगेट वीड। क्लियर हो गया, अब आइए आगे देख लेते हैं। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो पैरासाइट तो आप लोग जानते हैं, जिसमें एक प्लांट है अपने नेसेसिटी के लिए, दैट्स मीन्स न्यूट्रिशन के लिए, दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, तो उसको बोलेंगे पैरासाइट।
ठीक है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा ओरोबैंकी जो कि टोबैको पे पैरासाइट है, स्टीगा लुटिया जो कि शुगर केन और सोरगम में आसानी से देखने को मिल सकता है, कस्कुटा चाइनेंसिस जो कि डसरनी और ओनियन में देखने को मिलता है, रोलैंथस लॉन्गिफ्लोरस जो कि मैंगो यानी आम में देखने को मिलता है, वीड में एक पिछला जो वीडियो है उसमें इसका मैंने डायग्राम सहित बताया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसमें जो देखिए तो रूट पैरासाइट ही ओरोबैंकी क्या हो गया, रूट पैरासाइट हो गया। ठीक है बच्चों, कसकटा स्टेम पैरासाइट है, आप लोग को मालूम ही होगा, जिसको अमर बेल बोला जाता है। अब आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं वीड का अकॉर्डिंग टू सॉइल। तो वैसा वीड जो कि एसिडिक सॉइल में पाया जाएगा, एसिडिक सॉइल में देखने को मिलेगा, तो वैसे वीड को हम लोग बोलेंगे एसिडोफाइल वीड्स। अब इजली यू कैन डिफाइन द वीड्स विच आर यूजुअली सीन इन द एसिडिक सॉइल नोन एज एसिडोफिलिक वीड्स, एग्जाम्पल ल्यूमेक्स एसिटोसेला। ठीक है, बैसोइडोफाइल वीड्स इनको सेलाइन और अल्कली वीड भी बोलते हैं। सेलाइन और अल्कली सॉइल में पाए जाने वाले वीड को हम लोग बैसोफिलिक वीड या बैसोफाइल वीड्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल है ट्रैक्सिकम स्पीसीज। उसी तरह न्यूट्रोफाइल वीड्स, इसका मतलब क्या हुआ, वैसा वीड्स जो न्यूट्रल सॉइल में पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफाइल वीड्स। आप मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द वीड्स आर न्यूट्रोफिलिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द वीड्स जो आसपास तुम लोग देख रहे हो ना वो न्यूट्रोफिलिक ही नेचर होता है। क्लियर हो गया बच्चों, अब थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो एसिडोफिलिक वीड जब हम बात करते हैं ना सॉइल के पीएच की, तो आप लोग मान के चलो 6.5 to 7.5, अगर सॉइल का इतना पीएच होना तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉइल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉइल। तो इस पीएच पे अगर कोई वीड देखने को मिल रहा है इस सॉइल में, तो वैसे वीड को क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिक वीड। और मोस्ट ऑफ द वीड जो है वो न्यूट्रोफाइल वीड या न्यूट्रोफिलिक वीड ही होते। क्लियर हो गया, एसिडोफाइल वीड देखो कहने के लिए तो 6.5 से अगर थोड़ा कम हो गया तो एसिडिक होगा, बट अगर 5.5 से नीचे जा रहा है तो समझ लो कि वो प्योर एसिडिक है, और 5.5 से 6.5 के बीच है तो तुम लोग उसको स्लाइटली एसिडिक बोलना। ठीक है बच्चों, उसी तरह बैसोफिलिक में अगर 7.5 से हायर जा रहा है पीएच, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बैसिडोफिलिक बीट्स। और वो सॉइल को क्या बोलेंगे, सेलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल और बेसिक सॉइल। हाँ, अब अल्कली सॉइल और सेलाइन सॉइल में क्या अंतर है आप लोग पूछ सकते हो। तो देखो वैसा अल्कली सॉइल जिसमें कि जो अल्कलाइजेशन हो वो साल्ट के कारण हो या फिर उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलाइन सॉइल। क्लियर हो गया बच्चों, आओ अब आगे देख लेते हैं। नाउ वी विल सी रिप्रोडक्शन इन वीड। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि वीड रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं वीड भी क्या है, टाइप ऑफ प्लांट है। तो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो यूजुअली तीन ही तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। ठीक है बच्चों, तो नो डाउट वीड भी यही तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आइए वन बाय वन इनको देख लेते हैं। देखिए जब भी कहीं सेक्सुअल की बात हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो, तो यहाँ पर दो बातें मस्ट होंगी। पहला, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड, मतलब मेल और फीमेल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड, आइदर इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल, उससे मतलब नहीं है, इज इन्वॉल्व्ड। क्लियर है बच्चों, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देयर विल बी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या होगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्लियर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहीं भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो ये देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वीड में कैसे होगा। ठीक है बच्चों, अगर रिप्रोडक्शन कहीं भी हो रहा है जिसमें कि ना तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है, ना ही मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको ए सेक्सुअल बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे, देयर इज Neither involvement of opposite sex, that is male and female, ये भी नहीं होगा opposite sex, nor formation and fusion of gamete, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, asexual। तो asexual में क्या होगा, asexual में जो रिप्रोडक्शन होगा या प्रोपेगेशन होगा ये होगा अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल। क्लियर है बच्चों, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल है प्लांट में वो पार्टिसिपेट ना करके कोई दूसरा सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है, अब आइए अब हम लोग देख लेते हैं एक और चीज़ जो क्या है बच्चों,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे है और ये कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें कुछ नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या डिफरेंस है कि इसको अलग से नाम दे दिया गया। एक्चुअली इसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व होता है। दिस रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है बच्चों। अब वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहने का मतलब क्या है, देखो सीड जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीड ही होता है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या है, साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर है यहां तक, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम प्लांट के पार्ट की जब बात करेंगे तो कोई भी पार्ट हो अदर देन फ्लावर, कोई भी पार्ट हो अदर देन फ्लावर और उससे रिप्रोडक्शन अगर हो, प्रोपेगेशन हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है, आओ इसको थोड़ा और देख लेते हैं तो और ज़्यादा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे प्लांट है या यहाँ क्या है, वीड है। ठीक है, तो इसका पार्ट फ्लावर को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, लीफ बच जाएगा, स्टेम बच जाएगा, रूट हो जाएगा, या फिर मॉडिफाइड रूफ लीफ स्टेम और रूट हो, इनमें से अगर किसी से रिप्रोडक्शन हो या प्रोपेगेशन हो तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उस वेजिटेटिव पार्ट को जिससे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको स्पेशल नाम हम लोग देते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या नाम देते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे आप लोग सुने हैं ना, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, राइजोम, तो दिस ऑल आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लियर है बच्चों, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा लीफ इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम, लीफ इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम स्पीसीज होता है उसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो लीफ के केस में होता है, लीफ के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, ब्रायोफाइलम स्पीसीज। दूसरा एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वो एक्वेटिक वीड ले लेते हैं, डेट इज ऑफसेट। ऑफसेट के थ्रू होता है किस में, इन केस ऑफ वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी में ऑफसेट के थ्रू होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग को देखना है मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो है वीड कंट्रोल और दूसरा है वीड मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लो कि वीड कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट, यानी यहाँ बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, वीड मैनेजमेंट, और बीज मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है वीड कंट्रोल। तो कहीं भी हम लोग वीड कंट्रोल बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे क्रॉप फील्ड में जो वीड इन्फेस्टेड है उसको हम लोग को कंट्रोल करना है उस हद तक जिससे कि हम लोग को किसी तरह का कोई इकोनॉमिकली लॉस नहीं हो हमारे क्रॉप के केस में। क्लियर हो गया बच्चों। और वीड मैनेजमेंट का मतलब हो गया ना प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल, रेगुलेटेड यूज, डैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वीड विच इज यूजफुल इन ऑर्डर टू इरेडिकेट द वीड, डैट इज नोन एज वीड मैनेजमेंट। क्लियर है, तो आओ वीड मैनेजमेंट को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक प्रिवेंटिव, दूसरा क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारा ये क्रॉप फील्ड है और इसमें अभी तरह का कोई हम लोग को वीड नहीं दिखा है, सिर्फ हमारा क्रॉप ही है, तो उस केस में जबकि वीड उगा ही नहीं है हम वो सारा स्टेप लें ताकि इन फ्यूचर भी वीड नहीं उगे, तो डैट्स ऑल इंक्लूडेड, डैट इज प्रिवेंटिव मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। क्लियर हो गया बात। अब मान लो हमारा जो क्रॉप फील्ड है वो वीड से इन्फेस्टेड हो गया, मतलब इसमें वीड अब हमको दिख रहा है, वीड का जर्मिनेशन हो चुका है, वीड प्लांट आ चुके हैं, उसके बाद हम कंट्रोल करने के लिए जिन भी मेथड का यूज करेंगे, जिन भी तरीकों को अपनाएंगे, उन सबको क्या बोलेंगे, क्यूरेटिव या
रिमेडियल। बोला भी गया है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जब बीड नहीं है तो वहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रिवेंटिव, और बीड आने के बाद क्या हम लोग करेंगे, क्यूरेटिव या रिमेडियल। अब इसमें दो पार्ट फर्दर आएगा, पहला इरेडिकेशन, दूसरा कंट्रोल। इरेडिकेशन मतलब क्या हुआ कि जो भी बीड हम लोग को अपने क्रॉप में दिख रहा है उसको समूल नाश करें, यानी उसको पूरी तरह खत्म कर दें, जितना है सबको हटाओ। और कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि बीड का पॉपुलेशन जो हमारे क्रॉप फील्ड में है उस पॉपुलेशन को उस हद तक हम कंट्रोल करके रखें, उस हद तक कम करके रखें कि हमको किसी तरह का जो हमारा क्रॉप है उसके हार्वेस्टिंग से इकोनॉमिक लॉस नहीं हो। और फिर कंट्रोल में फर्दर तीन टाइप आएगा, कल्चरल प्रैक्टिसेज, केमिकल प्रैक्टिसेज, एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेज। ठीक है, आइए अब वन बाय वन इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रिवेंटिव मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर सीड या सीडलिंग का यूज कर सकते हैं, अवॉइड फीडिंग हे कंटेनिंग वीड, उसको हम लोग फीडिंग को अवॉइड करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस ऑल आर द प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है, सो डैट द बीड विल नॉट बी एबल टू क्रॉप एज वेल एज कम्पीट विथ आवर क्रॉप। तो इन सबको प्रिवेंटिव मेथड में रख किया हम लोग, वैसे सॉयल का यूज अवॉइड करेंगे जो ऑलरेडी वीड से इन्वेस्टेड हो। ठीक है, वेल रोटेन और कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हाफ रोटेन और पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर में जो वीड के सीड होते हैं वो सही रहते हैं और वो जर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको हम अपने सॉयल में यूज करेंगे तो दिज ऑल आर द प्रिवेंटिव मेथड। ठीक है, क्लीनिंग ऑल इम्प्लीमेंट्स एंड टूल आफ्टर यूज, कीपिंग इरीगेशन एंड ड्रेनेज के चैनल क्लीन, कीपिंग फेंसेज रोड एंड बर्न्स क्लीन, कीपिंग थ्रेसिंग यार्ड्स ग्रेनरी एंड कंपोस्ट पिटफील, फॉलोइंग लीगल एंड क्वारंटाइन मेजर। ठीक है बच्चों, इरेडिकेशन मेथड में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉइंग द स्पीसीज एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे ही हम लोग को बीट देखा उसको खत्म कीजिए, आइदर बाई यूज ऑफ केमिकल और हैंड पुलिंग डेट इज फिजिकल और बायोलॉजिकल, वो कोई भी तरीका यूज कीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है। डीजनरेटिंग द बॉडी डोरमेंट बट वाइबल सीड बाई फ्यूमिगेशन का यूज कर सकते हैं, फ्लडिंग का यूज कर सकते हैं, हीटिंग का, या फिर दूसरा केमिकल का यूज कर सकते हैं। इस केस में केमिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, वीडीसाइड या हर्बिसाइड। क्लियर है बच्चों, आइए अब हम लोग कंट्रोल मेथड में देख लेते हैं। हाँ, मैकेनिकल मेथड क्या क्या, अगर हम लोग हाथ से खींच के बीड को उखाड़ के फेंक दें, डेट इज हैंड पुलिंग, होइंग, टीलेज, सिकलिंग, फ्लडिंग, बर्निंग, मल्चिंग, डिगिंग, चिलिंग, दिज ऑल आर द डिफरेंट मैकेनिकल मेथड्स विच कैन बी यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वीड। क्लियर है बच्चों, क्रॉपिंग एंड कंपटीशन में क्रॉप रोटेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, वैसे क्रॉप का यूज कर सकते हैं जिसमें लेस वीड इन्फेस्टेशन हो, हम लोग फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, अपने क्रॉप के ग्रोथ को कल्टिवेट करने के लिए। तो निश्चित रूप से क्रॉप जब ज़्यादा ग्रोथ होगा तो वीड को कम्पीट कर जाएगा, ओवर कम्पीट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेट एंड रेट ऑफ प्लांटिंग के थ्रू हम लोग वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग वन ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेज बाई विच वी कैन यूज द रिटार्ड टू ग्रोथ ऑफ बीड, कंपेनियन क्रॉपिंग डेट इज एजोला इन राइस, प्लांट पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के। तो दीज ऑल आर द इंटरकल्चरल और कल्चरल ऑपरेशन विच कैन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ वीड इन आवर क्रॉप फील्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बीड के ऊपर हम लोग पैरासाइट का यूज कर सकते हैं, प्रीडेटर का यूज कर सकते हैं, पैथोजेन का यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जो क्रोकिडोसेमा लैंटेना मौत है, इसको हम लोग लैंटेना कैमरा के ऊपर यूज कर सकते हैं, जिसको पुटुस हमने बोला था। अल्टरनेलिया इकोर्निया फंजाई को हम लोग इकोर्निया क्लेसेप्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। उसी तरह ओर्सुलेला जेवेनिका गॉल मिर्च को हम लोग यूज कर सकते हैं इम्पेलेटा सिलेंड्रिका के रूप में। ठीक है, तो बच्चों इन सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, फिर भी आप लोगों को ये सब चीज़ ध्यान में रखना होगा। ठीक है, केमिकल मेथड में हम लोग दो तरह का केमिकल को यूज कर सकते हैं, एक सिलेक्टिव और एक नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वैसा हर्बिसाइड या बीडिसाइड जो पार्टिकुलर बीड के लिए बना हुआ है और उसी बीड पर काम करेगा, डेट इज नोन एज सिलेक्टिव हर्बिसाइड और वीडिसाइड। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर वीड के लिए नहीं बना है, वो ग्रुप ऑफ वीड पे काम करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड या वीडिसाइड खेत में डालने का दो तरीका है, या तो जो हमारा वीड है उसके पत्ते पे हम लोग डालें, तो डेट इज नोन एज फोलिएज एप्लीकेशन, उस तरह के एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, फोलिएज एप्लीकेशन। और अगर उसको स्प्रे के रूप में हम लोग पत्ते के ऊपर डाल रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोलियर स्प्रे। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर दूसरा तरीका हो गया कि उसको हम लोग
कहाँ डाले, सॉयल के ऊपर डाले, ठीक है, डेट इज सॉयल एप्लीकेशन। तो ये दो तरीका से हम लोग अपने खेत में किसका वीडिसाइड या हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं, थ्रो फोलियर स्प्रे और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑन द सॉयल। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल मेथड में क्या है, हम लोग वीडिसाइड या हर्बिसाइड का यूज करेंगे। पिछले 85 साल से भी ज़्यादा से हम लोग केमिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं 2,4-D 1940 में पोकोर्नी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया। उसके बाद ये ब्रॉड लीफ वुड है, हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है केमिकल मेथड्स का, तो बेनिफिट है केमिकल मेथड्स का कि इसको हम लोग आसानी से रो में, जहाँ की कल्टीवेशन संभव नहीं है वहाँ भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अर्ली सीजन वीड कंट्रोल हम लोग को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कल्टीवेशन एंड मैन्योर मेथड से क्या होगा कि रूट सिस्टम इंज्योर्ड हो सकता है, उसको हम लोग एस्केप कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड रिड्यूस द नीड फॉर प्री प्लांटिंग टिलेज, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मिनिमल और जीरो टिलेज। क्लियर है बच्चों? हर्बिसाइड्स कैन ऑल्सो कंट्रोल मेरी पर एनियर वीड विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाई अदर मेथड इन केस ऑफ साइप्रस स्पीसीज वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज नट ग्रास, साइप्रस और टंडस, ठीक है। उसके बाद हर्बिसाइड को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने वीड को क्लासीफाई किया था, तो पहला हम लोग मेथड ऑफ एप्लीकेशन के अनुसार हर्बिसाइड को क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम लोग उसको कहाँ डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं या पत्ते पर डाल रहे हैं। अगर मिट्टी में डाल रहे हैं तो सॉइल अप्लाइड उसको बोलेंगे, और पत्ते पर डाल रहे हैं तो फुलेज अप्लाइड बोल सकते हैं। उसी तरह मोड ऑफ एक्शन के आधार पर भी हम लोग हर्बिसाइड को ये कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो सिस्टेमिक है, डेट इज ट्रांसलोकेटेड, या नॉन सिस्टेमिक है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। क्लियर है बच्चों? फर्दर हम लोग उसको बांट सकते हैं कि केमिकली वो किस ग्रुप का है हर्बिसाइड, एलिफेटिक हो सकता है, एमाइड एसिटामाइड हो सकता है, आर्सेनिकॉल हो सकता है, बेंजोइक हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, डाइनिट्रोइनसोय, डाइफेनाइल ईथर। तो दीज ऑल आर द केमिकल कंपाउंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द आवर क्लास 12th, ठीक है। अब मान लो किसी एक को डिस्कस कर लो, तो डाइफेनाइल ईथर का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ROR ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा ये अल्काइल ग्रुप ना होकर क्या हो जाएगा, फेनाइल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ROR क्या है, ईथर है, और यहाँ क्या है, डाइफेनाइल ईथर, मतलब दोनों तरफ क्या है, फेनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसी तरह नाइट्रेट हो सकता है, फेनॉल हो सकता है, फेनोक्सी एसिड, तो दिज ऑल आर द डिफरेंट ग्रुप विच एक्ट एज हर्बिसाइड। क्लियर है बच्चों? अगर हम लोग कोई पार्टिकुलर हर्बिसाइड ले रहे हैं तो उसके अंदर इन्हीं 18 कोई ग्रुप में से हमको देखने को मिलेगा। आइए हम लोग उसको आगे देख लेते हैं। चलो, एलिफेटिक है जो कि सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है, ये है एलाइल अल्कोहल, फुलेज अप्लाइड डेलापोन। तो देखो बच्चों, इसको आप लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान में रख लेना है, ठीक है बच्चों। उसी तरह कॉन्टैक्ट में क्या, एक्रोलिन, TCA, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। अब आप लोगों को निश्चित रूप से अगर बोला जाए कि बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग को क्या लिख देना है, एसिटिक एसिड लिख देना है। तो ये हो गया CH3COOH, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, CCOOH, और हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किस चीज से बच्चों, बोलो, हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कोलीन से, तो ये आपका हो गया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, हालांकि ये पूछता नहीं है, फिर भी कंसेप्ट को समझने के लिए मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भी केमिकल स्पीसीज है वास्तव में क्या है, ठीक है। उसके बाद ये दीज आर द डिफरेंट हर्बिसाइड विच कैन बी यूज इन आवर फील्ड। आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखो, जैसे कार्बामेट की बात करेंगे तो क्लोरोबिफाम, प्रोफ्लेम, टर्बुटोर, डाई, ये सब हम लोग यूज करते हैं एज ए वीडिसाइड। क्लियर है बच्चों? एला क्लोर, फ्लू क्लोर, बीटा क्लोर, ये आप लोग ध्यान में रखो, कुछ पार्टिशन से एला क्लोर, फ्लू क्लोर। देखो इसमें क्या होगा, जब आप इंटरव्यू बोलो या फिर अभी तो यही बोलो कि एग्जाम का जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहाँ सीधे सीधे बहुत आसान पूछता है लोग कि चलो ठीक है, हमको 5 तुम हर्बिसाइड का नाम बता दो या 5 वीडिसाइड का नाम बता दो। तो इसमें से कुछ भी आप लोग को याद रहेगा तो आसानी से बोल सकते हो। तुम लोग ये याद रख लो, बहुत आसान है, सबके लास्ट में क्लोर लगा दो, एला क्लोर, फ्लू क्लोर, बेटा क्लोर, मेटा क्लोर, प्रोपा क्लोर, तो ये आसानी है, 2,4-D तो याद ही रहता है सबको, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी बता दे रहा हूँ, नीचे हम लोग जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये एट्राजीन, ये भी याद रखिएगा, एट्राजीन, प्रोपेजीन, सीमाजीन, तो एट्राजीन ज़्यादा यूज होता है, एट्राजीन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। ब्रोमासीर, आइसोसील, डायोडॉन,
क्लोरोबिनोडाइनो, तो दिस ऑल आर द, हाँ ग्लाइफोस्फेट, ग्लाइफोस्फेट जब आप लोग आओगे ना प्रैक्टिकल फील्ड में, आप लोग देखोगे एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा वीडिसाइड के रूप में ग्लाइफोसेट, जो किसानों के द्वारा यूज किया जाता है। बहुत देशों में ये बैन भी है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी भी यूज हो रहा है। अब है कि हम लोग कब कब इसको डाल सकते हैं, उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें वीडिसाइड हर्बिसाइड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, तो प्री प्लांटिंग, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, प्री प्लांटिंग क्या हुआ, मान लो हम लोग कहीं पे कोई क्रॉप लगाए, क्रॉप का ग्रो हो गया क्रॉप, उसके बाद उसको उस जगह से हटा के दूसरे जगह लगाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटिंग के पहले अगर हम लोग यूज कर रहे हैं ना हर्बिसाइड या मतलब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री प्लांटिंग, प्लांटिंग के पहले यूज करना है, बिफोर द क्रॉप इज प्लांटेड। उसी तरह प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस मतलब क्या है, ये अप्लाइड किया जाएगा जब हमारे सॉयल में क्रॉप या बीड इमर्ज नहीं हुए हैं। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड क्या हो गया, जब हमको बीड दिख गया, दैट इज ट्रीटमेंट आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप और बीड, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। ठीक है, बीड कंट्रोल, टीलेज के द्वारा भी हम लोग बीड कंट्रोल कर सकते हैं, बताया भी है हमने, मैंने आपको पीछे, कि अगर पर एनियर बीड है तो समर डीप टीलेज के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक्चुअली हम लोग एक्सपोज कर देते हैं उसको सन के लिए या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जस्ट लाइक वे बर्ड, ताकि वो उसकी सीड को खा जाए। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ हर्बिसाइड, प्लांट हर्बिसाइड को कैसे एब्जॉर्ब करती है या फिर उनका कैसे ट्रांसलोकेशन होता है। तो देखो हर्बिसाइड को हम लोगों ने कहाँ पे डाला था, सॉयल पे डाला था, आइदर प्री प्लांटिंग और प्री इमरजेंस। एक्चुअली जब हम सॉयल में डालेंगे तो निश्चित रूप से सॉयल से कोई भी चीज़ अगर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो रूट के थ्रू ही करेगा, क्लियर है, इसमें तो कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर इमर्जिंग सीडलिंग है तो शूट के थ्रू भी कर सकता है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो कोई नहीं होना चाहिए। अगर वाटर सोल्यूबल हर्बिसाइड है, ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ साल्ट टेकन अप बाय द रूट हेयर, रूट हेयर के द्वारा, यानी यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, रूट हेयर के थ्रू होगा। फिर उसके बाद उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, तो जैसे मिनरल्स का होता है ठीक उसी तरह होगा, जाइलम के थ्रू। अब फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड का एब्जॉर्प्शन प्लांट के द्वारा कैसे किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये तो रूट के द्वारा होगा नहीं, क्योंकि आप इसको पत्ता पे ही डाल रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्यूटिकल को पेनिट्रेट करेगा पहले, और उसके बाद क्यूटीन, क्यूटीन वैक्स, पेक्टिन, सेलुलोज, दिज ऑल आर द डिफरेंट चैनल्स। ठीक है, तो इनके थ्रू वो कहाँ, लिविंग सेल में इंटर कर जाएगा बच्चों, क्या, हर्बिसाइड, क्लियर है ना। और या फिर दोनों मतलब हो सकता है, वो प्लांट के थ्रू ट्राइकोम से एस्टोमेटा के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं प्लांट में, इन सम केसेज हर्बिसाइड इंटर इनटू द प्लांट थ्रू स्टेम, स्टेम के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं। अब इनका ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ मूवमेंट, यानी अगर प्लांट के अंदर चले गए तो विद इन प्लांट हर्बिसाइड का मूवमेंट कैसे होगा उसको हम लोग देखें। तो ये दो ही तरीका है, या तो एपोप्लास्टिक पाथवे इन ये के थ्रू होगा या सिम प्लास्टिक पाथवे के थ्रू होगा, ये आप लोग पढ़े भी होंगे 12th में, फिर भी मैं आपको एक बार ये रिकॉल कर दे। एपोप्लास्टिक क्या हो गया, अगर नॉन लिविंग पाथवे यूज कर रहा है, मतलब जो सेल वाल से इंटरकनेक्ट हो रहा है, सेल वाल तो नॉन लिविंग होगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे। अगर लिविंग सेल के थ्रू हर्बिसाइड का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिम प्लास्टिक पाथवे, मीन्स इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट करे तो सिम प्लास्टिक पाथवे। और नॉन लिविंग इंटरकनेक्टिंग सेल वाल के थ्रू मूवमेंट अगर हो किसका, हर्बिसाइड का, एबिडिसाइड का, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है बच्चों, अब अगर सॉयल अप्लाइड हर्बिसाइड है तो उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, तो उनका ट्रांसलोकेशन भी उसी तरह होगा, प्लांट के अंदर ही अंदर होगा। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, देयर आर टू मेन पाथवे, कौन सा है, फाइलम, और दूसरा किसके थ्रू होता है, जाइलम, जाइलम, फाइलम नहीं है बच्चों, ये है क्या, फ्लोएम, क्या है, फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम के थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम के थ्रू वाटर और अदर मिनरल्स का ट्रांसफर होता है, क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है, एक बार और सुनो, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो फूड कहाँ हम लोग का बन रहा है, लीफ में ना बन रहा है, और हम लोग रूट हेयर के थ्रू जो यह प्लांट है क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, क्लियर है ना।
अब आओ चलो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन को कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, तो ब्रांचिंग हैबिट, प्लांट सरफेस, ठीक है, प्लांट मैच्योरिटी, प्लांट स्पीसीज एंड वेराइटी। इन्वायरमेंटल में फैक्टर कौन कौन सा है जो इसको इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, लाइट। अब ये सब कैसे इफेक्ट करेगा उसको हम लोग इन शॉर्ट समझ लेते हैं। चलो मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम अगर तुम स्प्रे करोगे तो निश्चित रूप से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो स्प्रे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो जो भी तुम्हारा स्प्रे होगा वो वाटर के साथ रन ऑफ हो जाएगा। विंड बहुत ज़्यादा है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, जो स्प्रे करोगे वो पत्तियों पे ना जाके क्या होगा, कहीं और चला जाएगा। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर विच वी ऑल्सो टेक केयर वाइल स्प्रेइंग द हर्बिसाइड ऑन द वीड। क्लियर हो गया बच्चों? उसी तरह सॉइल फैक्टर में भी सॉइल पीएच आ जाएगा, सॉइल वाटर स्टेज आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, ठीक है। केमिकल फैक्टर में क्या हो जाएगा, जो हर्बिसाइड हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितना कंसंट्रेटेड है, डैट मीन्स उसका कौन सा अमाउंट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका पीएच कितना है, केमिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, जो हम लोगों ने अभी देखा ना फिनोक्सी एसिटिक एसिड इस सब में, या ट्राइक्लो एसिटिक एसिड डैट इज टीसीए में, तो केमिकल स्ट्रक्चर उसका कौन सा है, सर्फेक्टेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन क्या है, उसको हम लोग अप्लाइड कैसे कर रहे हैं, आइदर फोरियर एप्लीकेशन है या सॉइल एप्लीकेशन है। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट केमिकल फैक्टर्स विच एल्सो एफेक्ट द स्प्रेइंग ऑफ हर्बिसाइड द सॉइल। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर और सॉइल फैक्टर और केमिकल फैक्टर बीच में अफेक्ट द यूज ऑफ हर्बिसाइड इन आवर फील्ड। तो आप लोग बहुत आसानी से उसका आंसर अब दे सकते हो। अब इसको देख लो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड, मतलब हर्बिसाइड प्लांट को या वीड को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो देखो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म मीन्स फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट विच प्रोड्यूस हर्बिसाइड्स वाइल दे आर ट्रीटेड ऑन द रिस्पेक्टिव हर्ब्स। क्लोरोसिस प्रोड्यूस कर सकता है, डिफोलियोशन, स्टंटिंग, नेक्रोसिस, स्टैंड रिडक्शन, इपिनेस्टी, मॉर्फोलॉजिकल एबिलेशन, ग्रोथ स्टिमुलेशन, कपिंग ऑफ लिप्स, मार्जिनल लिप्स, डेसिकेशन, डिलेड इमरजेंस, जर्मिनेशन फ्लेयर एटसेट्रा। क्लियर हो गया बच्चों? क्लोरोसिस मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन कर लेंगे। डिफोरिएशन मतलब क्या हो गया, पत्ता टूटने लगेगा, पत्ता झड़ने लगेगा। स्टंटिंग मतलब क्या होगा, जो ग्रोथ होगा उसके ग्रोथ को ये कर देंगे, रिटार्ड कर देंगे, डेट इज। नेक्रोसिस मतलब क्या, डेथ ऑफ टिश्यू। तो दिज ऑल आर द डिफरेंट मैकेनिज्म विच आर यूज बाई हर्बिसाइड वाइल अप्लाइड टू द हर्ब। फोटोसिंथेसिस को ये इफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड में प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबोलिज्म को ये इफेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड है, वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्या है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी को ये हैम्पर कर सकते हैं। फिफ्थ वन क्या है, सेल डिवीजन के थ्रू ये प्लांट को रिटार्ड कर सकते हैं। सिक्स्थ क्या है, मेम्ब्रेन फंक्शन को ये हैम्पर कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द डिफरेंट सिक्स टाइप ऑफ एक्शन थ्रू विच हर्बिसाइड एक्ट्स ऑन द पार्टिकुलर वीड और हर्ब्स। बायो एसे ऑफ हर्बिसाइड, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायो एसे ऑफ हर्बिसाइड। तो देखो बच्चों, कोई भी हर्बिसाइड का उस हर्ब पे क्या रिस्पॉन्स है, इसी के स्टडी या फिर बोलो इसको मेजर करने को हम लोग बोलते हैं बायो एसे ऑफ हर्बिसाइड। मतलब बायो एसे का यूज किस लिए होता है, बायो एसे का यूज होता है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए लिविंग प्लांट टू ए हर्बिसाइड विच इज यूज टू क्वान्टिफाई इट्स कंसनट्रेशन इन ए सबस्टेट। क्लियर हो गया? मतलब देखो कहने का क्या मतलब है, मतलब मान लो मेरा कोई भी हर्ब है, इसके ऊपर हम हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हर्ब का क्या रिस्पॉन्स है, इसको मेजर करने का जो तरीका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एसे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नया बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ये है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजुवेंट। ठीक है, देखो जो हर्बिसाइड है ना, हर्बिसाइड ये डिफर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट हर्ब पे, तो अगर इनके इफेक्ट को हम लोग को और इम्प्रूव करना है तो जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं डैट केमिकल इज नोन एज एडजुवेंट। ठीक है, नाम ही है एडजुवेंट, यानी ऐड किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा। ठीक है, तो एडजुवेंट्स आर केमिकल डैट इम्प्रूव द हर्बिसाइड इफेक्ट विदाउट बीइंग फाइटोटॉक्सिक बाय देमसेल्फ।
क्लियर हो गया बच्चों। अब टाइप ऑफ एक्शन के अनुसार हम लोग एडजुवेंट को बांट सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी एक्टिवेटर एडजुवेंट हो सकते हैं, स्प्रे मॉडिफायर एडजुवेंट होते हैं, यूटिलिटी मॉडिफायर एडजुवेंट होते हैं, क्लियर है बच्चों। एक्टिवेटर के रूप में वेटिंग एजेंट जिनको कि हम लोग सर्फेक्टेंट बोलते हैं वो भी काम कर सकते हैं। डिपॉजिट बिल्डर डेट इज फिल्मिंग एजेंट और स्टिकल होंगे। ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजुवेंट। हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से अब देखो, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हाउ कैन यू कंट्रोल द इन्फेस्टेशन ऑफ बीड इन राइस फील्ड। आप बताइए कि आपको राइस फील्ड दे दिया गया या पैडी फील्ड दे दिया गया या सोलगम फील्ड दे दिया गया और आपको उसमें वीड कंट्रोल करना है तो कैसे करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग के भी काम आने वाला है। चलो जैसे मान लो राइस फील्ड है यानी पैडी फील्ड है, ठीक है, इसमें हमको वीड कंट्रोल करना है। देखो क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंट्रोल जो होता है ना राइस का, ये 20 से 30 दिन डीएटी होता है। अब डीएटी आप लोगों के लिए नया टर्म होगा, तो डीएटी का मतलब होता है डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। क्या? डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। हम सभी जानते हैं कि यूजुअली हम लोग जो राइस या पैडी का ग्रो करते हैं ये किसके करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू करते हैं। तो डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग यानी नर्सरी में तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सीड को लगाते हैं, उसके बाद जब उनका एक पर्टिकुलर साइज हो जाता है फिर उनको हम लोग मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे ना उसके 20 से 30 दिन के अंतर्गत अंदर 20 या 30 दिन के अंदर हम लोग को बीडिसाइड का यूज करना होगा या बीड कंट्रोल और अच्छा बोले तो बीड मैनेजमेंट पर काम करना होगा, बिकॉज दीज आर द क्रिटिकल पीरियड फॉर बीड कंट्रोल। क्लियर हो गया। अब कल्चरल मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथ से उखाड़ के बीड को फेंक सकते हैं, हैंड बीडिंग बोलेंगे, ठीक है, हैंड पुलिंग कर सकते हैं। पडिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कल्चरल ऑपरेशन विच इज यूज्ड इन द केस ऑफ राइस। फ्लडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, वीडर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द कल्चरल मेथड विच वी कैन यूज इन केस ऑफ पैडी फील्ड इन ऑर्डर टू मैनेज द वीड। अगर हर्बिसाइड और केमिकल कंट्रोल की हम लोग बात करें तो हम लोग बूटाक्लोर की यूज कर सकते हैं 1 से 2 kg EI पर हेक्टेयर, ठीक है बच्चों। उसी तरह एलाक्लोर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं उतना ही अमाउंट, ठीक है, या थायोबेनकार्ब प्लस 2,4-D isopropyl इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट केमिकल वीडिसाइड विच कैन बी यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वीड इन्फेस्टेशन इन पैडी फील्ड। बायोलॉजिकल में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो बायोलॉजिकल में हम लोग राइस रूट निमोटेट का यूज कर सकते हैं, एजोरा और एनोबेना हम लोग यूज करते हैं एज ए बायो, ये ठीक है, किस केस में, राइस के केस में, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल के केस में। अब देखो, अब अगर कैसा अच्छा हो, किस तरह का वीड कंट्रोल अच्छा हो, तो सबसे अच्छा होगा IWM इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, यानी हम लोग ये तीनों का यूज करें, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक का यूज करें, तीनों का यूज करें इस तरह से कि ये सस्टेनेबल हो, फ्यूचर में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आओ अब उसी तरह हम लोग देख लेते हैं वीट, यहाँ DAS है, DAS क्या हुआ बच्चों, DAS हुआ डे आफ्टर सोइंग। मान लो वैसा प्लांट जिसमें ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है, सोइंग किया रहे और वहीं पे हम मेन फील्ड में ही सोइंग कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो DAS यानी गेहूं के खेत में 15 से 30 दिन वाला सोइंग के बाद का जो पीरियड है वो क्रिटिकल टाइम होता है। यहाँ वही से हैंड होइंग, इंटर कल्टिवेशन और क्रिस क्रॉस सोइंग, दीज आर द कल्चरल ऑपरेशन बाई विच वी कैन कंट्रोल द वीड इन द वीट फील्ड। उसके बाद जो बात रहा कौन सा हम लोग केमिकल यूज करें, तो 2,4-D हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, MCPA यूज कर सकते हैं। अब देख रहे हो 2,4-D हम लोग ज़्यादा जगह यूज कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ आइसोप्रोबुटेन और 2,4-D इनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं 30 से 35 दिनों के भीतर, ठीक है। कंप्लीमेंट्री वीट कंट्रोल मेथड, कल्टीवार, सीडिंग एज, सीड लेट, ये सब के थ्रू भी हम लोग वीट में यूज कर सकते हैं। सोरगम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है क्रिटिकल पीरियड ये होता है 21 से 42 दिन आफ्टर सोइंग।
प्री प्लांट एप्लीकेशन ऑफ एट्राजिन हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए प्री इमरजेंस वीडिसाइड के रूप में। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, अगर कॉटन क्रॉप हम लोग यूज कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन में, तो दिस इज हेल्पफुल इन केस ऑफ वीट कंट्रोल इन केस ऑफ सोर्गम फील्ड। क्लियर है बच्चों? उसी तरह मेज के अगर हम लोग बात करें तो मेज में भी हम लोग एट्राजिन का यूज कर सकते हैं एज ए प्री इमरजेंस एप्लीकेशन। 2 से 6 वीक यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड होता है वीट कंट्रोल के लिए। उसके अलावा एलाक्लोर और एट्राजिन दोनों का कंबाइंड फॉर्म भी हम लोग यूज कर सकते हैं स्प्रे के लिए इन केस ऑफ वीट कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ मेज। पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन के रूप में हम लोग 2,4-D का यूज कर सकते हैं। ग्राउंड नट में अप टू 45 डेज द क्रिटिकल टाइम पीरियड एलाक्लोर का यहाँ पे यूज किया जा सकता है प्री इमरजेंस एप्लीकेशन। इसके अलावा एलाक्लोर नाइट्रोफेन के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, सनफ्लावर के केस में 4 to 6 वीक्स इज द क्या हो जाएगा क्रिटिकल पीरियड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वीट। और यह EPTC या ट्राईफ्लोरिन का हम लोग यूज कर सकते हैं इफेक्टिव वीट कंट्रोल के लिए। क्लियर है? उसी तरह कॉटन के केस में दीज आर द डिफरेंट केमिकल विच वी कैन यूज। पल्सेज के केस में 30 से 35 दिन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्रोनॉमी में भी यूज आएगा, हर जगह यूज आएगा। डेट इज द क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड हम लोग को मालूम होना चाहिए। पल्स के केस में हम लोग एलाक्लोर, मैंने बोला था ना फ्लूक्लोर एलाक्लोर मेटाक्लोर दीज आर द डिफरेंट हर्बिसाइड, जो आप लोग याद कर लीजिए। 2,4-D तो हमेशा सबको याद रहता है, इसके अलावा ग्लाइफोस्फेट याद कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद टोबैको केस में हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं, फ्लूक्लोरिन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? शुगर केन का बात हम लोग करें तो शुगर केन में 4 से 5 मंथ जो ये है शुरू का, ये क्रिटिकल पीरियड है किस चीज़ के लिए, वीट कंट्रोल के लिए। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में भी यहाँ एट्राजिन का हम लोग यूज कर सकते हैं, सीमाजीन एलाक्लोर किसी का यूज कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड दोनों का यूज करें। ठीक है, जैसे कि ग्लाइफोसेट ठीक है, चलो पाराक्वेट ये भी काफ़ी यूज होता है। जब आप लोग रियल टाइम फील्ड में आओगे ना तो ग्लाइफोसेट 2,4-D और पाराक्वेट दीज आर द वाइडली यूज हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स बाय द फार्मर। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोशिश तो यही था कि एक क्लास में आप लोग का पूरा सेमेस्टर ख़त्म किया जाए, बट ये फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और इतना तो अब सीख ही गए होंगे कि एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाए। ऑलमोस्ट इतने पढ़ाई से आपका ग्रेड 7.5 से ऊपर तो आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों। इतने पढ़ाई से आपका ग्रेड निश्चित रूप से 7.5 के ऊपर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।